बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं इस ठंड को काफ़ी लंबे समय से बारिश न होने के कारण इसका साफ तौर पर फसल पर भी असर पड़ने को मिल रहा है। कोहरे और पाले के कारण आलू और मटर की फसल को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान है। आपको बता दें, उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जनपद धमसिंह नगर के जसपुर में किसान एक तरफ ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले काफ़ी लंबे समय से बारिश न होने से गेहूं और अन्य फसल को नुकसान हो रहा है। लंबे समय से किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि फसलों को लाभ मिल सके। किसानों की माने तो बारिश न होने से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हो रहा है और कोहरे और पाले के कारण आलू और मटर की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। बारिश न होने के कारण गेहूं मेड़ा नहीं मार रहा है, गेहूं में बाड़वार कम हो रहा है और सूखी ठंड होने के कारण फसल को और जानवरों के चारे को नुकसान पहुँच रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार और किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बारिश ना होने की वजह से गेहूं की फसल जो है ख़राब होती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है, जिसमें कि सही करके जो मेड़ा नहीं मार रहा। मटर हुआ, लाई है, बरसीन की फसल, ठंड होगी तो बढ़िया होगा ना, फसल कहाँ हो रही है। बरसात हो जाए तो थोड़ी फसल भी अच्छी हो जाएगी। इसको देना चाहिए, तरफ ध्यान देना चाहिए। गेहूँ है, ऊँचे के मटर है, आलू है, लाही है, नुकसान बाढ़ से ना होने से होगा। कम से कम 4-5 महीने से बाढ़ हुई ना है, तो गेहूं में गेहूं के सूख रही है, आलू के पत्ते जल रहे हैं बर्फ़ की वजह से, झूल कुछ देना चाहिए। सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। सिंह है मेरा नाम। 4-5 महीने से बारिश नहीं हुई है, जो हमारे गेहूं की फसल को नुकसान है, आलू को फसल की नुकसान है और चारे को भी नुकसान है हमारे, और लाई हुई को भी नुकसान है, ये हमारी ये मटर को भी नुकसान है, ये इससे पाले से सूखे पाले से जलती है। किसानों की ओर को सरकार ने हमारी किसानों की ओर को ध्यान देना चाहिए। जसपुर से दैनिक भास्कर संवाददाता गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।